सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सभी? हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को लास्ट ब्लॉग में कढ़ाई दिखाई थी, लोहे की कढ़ाई, और मैं ये भी बोली थी कि उसको यूज करने से पहले छोटे छोटे एक दो स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही लोहे की कढ़ाई यूज में ली जाती है। उसमें बहुत सारी गंदगी होती है लोहे की कढ़ाई में, डायरेक्ट आप यूज करेंगे तो वो हेल्दी नहीं होता है। तो दो तीन स्टेप होते हैं, वो फॉलो करना पड़ता है। तो इस ब्लॉग में मैं आप लोग से वही शेयर करने वाली हूँ कि नई कढ़ाई अगर आप लोहे की लेते हैं तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है उसको यूज करने से पहले। और हाँ, जो भी स्टेप है वो एक ही बार करना होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि जब जब आप यूज करेंगे तब तब इतना प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बार का ही मेहनत है, उसके बाद कढ़ाई एकदम से यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई मुझे अमेजोन से रिसीव हुई है गाइज, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3 लीटर की। वैसे वहाँ पे देखेंगे ना तो आपको अलग अलग साइज की कढ़ाई मिल जाएगी। और अगर आप कुकिंग के लिए कढ़ाई ले रहे हैं तो थोड़ा हेवी बेस का ही लीजिएगा, ताकि खाना बनाते टाइम खाना इसमें ना जले। पतला बेस का लेंगे ना तो खाना तुरंत से जलने लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक छोड़ दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ तरह तरह साइज का ये कढ़ाई अवेलेबल है। आप लोग देखे ही कि कढ़ाई को छूने के साथ ही कितना ज़्यादा काला काला गंदा दिख रहा था। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन करूँगी डिशवाशर से। ये प्रोसेस मैं 2 बार रिपीट करने वाली हूँ। पहला बार क्लीन करेंगे तो आप देखिए कितना काला काला झाग निकल रहा है। ये ऊपर की गंदगी है गाइस, जो कि डिशवाशर से अच्छे से निकल जाएगी। और अभी ही कढ़ाई देखेंगे ना तो पहले थोड़ी सी साफ दिखेगी। तो आगे पीछे हैंडल हर एक पार्ट को अच्छे से रगड़ना है, और थोड़ा सा ना हाथों को प्रेस करके ही रगड़िएगा ताकि अच्छे से कढ़ाई साफ हो पाए। एक बार ही क्लीन करने से आप देख सकते हैं कि लोहा दिखने लगा है कढ़ाई का। इसे मैं दोबारा फिर से भी रगड़ने वाली हूँ। और गाइज, अगर आप लोग लोहे की कढ़ाई रखते हैं या फिर पैन रखते हैं ना, तो एक छोटा सा ईंट जरूर रख लीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा लोहे की कढ़ाई साफ होता है। मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन मैं आगे रख लूँगी। जैसे आप कुकिंग करते हैं ना तो साइड से कढ़ाई कभी जल जाती है या फिर हाई फ्लेम पे हीट हो जाती है तो हल्का सा अलग कलर पकड़ लेता है कढ़ाई का, वैसे में अगर आप ईंट से साफ़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाती है। डिशवाशर से धोने वाला प्रोसेस तो बार बार रिपीट करना है। पहला प्रोसेस आप देख लीजिए मैं क्या कर रही हूँ गाइस। गैस का फ्लेम ऑन है और लो फ्लेम पे है, हाई फ्लेम पे मत रखिएगा। बस पानी को हल्का सा गर्म करना ही होता है। 1 चम्मच मैं इसमें डाली हूँ नमक, मेरे पास पिंक सॉल्ट था तो वो डाली हूँ, आप लोग के पास वाइट हो तो वो डाल दीजिएगा। और साथ ही आधा नींबू मैं इसमें निचोड़ के डाल दी हूँ। और जो बर्तन धोने वाला स्क्रबर होता है ना, उसी से हम धीरे धीरे रगड़ेंगे। तो कढ़ाई के हर एक पार्ट में अच्छे से रगड़ना है। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप किसी कपड़े से कढ़ाई को पकड़ लीजिए और फिर अच्छे से एक एक कोना इस स्क्रबर से रगड़िए। धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि लोहा पहले से ज़्यादा दिखने लगा कढ़ाई का। ये काम कम से कम 3 से 4 मिनट तक करना है गाइस। और आप पानी का कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, और बीच का देखिए लोहा कितना ज़्यादा साफ हो गया है। नींबू और नमक से साफ करने के बाद आप लोग देखे ही कि पानी कितना ज़्यादा काला हो गया था और कितना ज़्यादा कालिख निकला इससे। तो फिर से इसे हम डिशवाशर से अच्छे से साफ़ करेंगे, और आप लोग को अंतर दिख रहा होगा कढ़ाई का, पहले और अब में अंतर दिख रहा होगा। पहले से अब कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही साफ़ हो गई है, हल्का हल्का वाइट वाइट लोहा दिख रहा है अंदर का। Mm-hmm.
दूसरे स्टेप में कढ़ाई को नमक से साफ़ करने वाले हैं। तो मैं 4 से 5 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। वाइट सॉल्ट हो तो आप लोग वो ले लीजिएगा। और कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से रगड़ेंगे नमक से। मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ इसे रगड़ने के लिए। आप चाहें तो किसी कपड़े से भी ये काम कर सकते हैं। और थोड़ी सावधानी से कीजिएगा क्योंकि गैस का फ्लेम ऑन है। वैसे तो लो फ्लेम पर ही है लेकिन धीरे धीरे कढ़ाई हीट तो हो ही जाती है और साथ के साथ नमक भी हीट हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से ये प्रोसेस कीजिएगा, हाथ जलने का भी काफ़ी रिस्क रहता है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक के लिए मैं कढ़ाई के हर एक पार्ट को हर एक कोने में अच्छे से स्क्रब करूँगी नमक से। जो नमक हम यूज़ किए थे कढ़ाई को साफ़ करने में उसको यूज़ नहीं करना, उसको हम फेंक देंगे। और वो प्रोसेस करने के बाद इसे हम फिर से डिशवाशर से साफ़ करेंगे। मैं आप लोगों को बोली थी ना कि हर एक प्रोसेस के बाद कढ़ाई को डिशवाशर से अच्छे से क्लीन करना है। कढ़ाई में आपको धीरे धीरे अंतर दिखने लगेगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस कि ये लोहे की कढ़ाई है। जब तक आपके पास रहेगी ना, लोहे का जो लक्षण होता है अपना कालापन छोड़ना, वो तो देखिए हल्का फुल्का रहेगा ही। आप खाना भी बनाएंगे ना तो जो सब्जी का कलर है हल्का सा चेंज हो जाता है लोहे की कढ़ाई में बनाने से। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाना। ये जो स्टेप हो रहा है गाइस, ये लास्ट स्टेप है। गैस का फ्लेम ऑन है और लगभग 2 चम्मच में इसमें सरसों का तेल डाली हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। छोटे साइज का प्याज था उसको मैं इसमें डाल दी हूँ। प्याज को ना हल्का सा ब्राउन होने देंगे और प्याज से ही क्या करना है कि कढ़ाई के हर एक पार्ट में अच्छे से फैलाते हुए साफ़ करेंगे कढ़ाई को। और धीरे धीरे देखिएगा प्याज का कलर हल्का चेंज होगा। इस प्याज को आप गलती से भी रीयूज़ मत कीजिएगा, इसको आपको फेंक देना है, यूज़ में नहीं लेना है। ये तो हुआ गाइस कि अगर आप नई कढ़ाई लेकर आते हैं लोहे की तो क्या क्या प्रोसेस करने के बाद आपको कढ़ाई को यूज़ करना, ये मैं आप लोग अभी तक बताई। लेकिन कढ़ाई जब आप यूज़ करने लगते हो तो कैसे आपको मेंटेन करना है लोहे की कढ़ाई को ताकि उसमें जंग ना लगे। और देखिए जंग लगेगा तो धीरे धीरे कढ़ाई में होल भी हो सकता है, तो जंग लगने से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कढ़ाई को। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। ये वाला जो मैं स्टेप कर रही हूँ गाइस, ये आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आप खाना बनाते हैं इस कढ़ाई में। और जब आप इस कढ़ाई को क्लीन करते हैं तो ये वाला प्रोसेस आपको करना ही करना है ताकि कढ़ाई में जंग ना लगे, कढ़ाई आपका लंबा चले। जैसे आप सब्जी बना के धोते हैं कढ़ाई को तो पानी गरने के लिए वेट नहीं करना है कि आधे घंटे तक ऐसे छोड़ देते हैं पानी गर जाएगा, उतनी ही देर में इसमें जंग लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि तुरंत इसको कपड़े से पोंछ लेना है, एक एक पार्ट को एक एक कोना में अच्छे से पानी को पोंछ लेना है। पानी का एक बूंद भी कढ़ाई में नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद डाल देंगे इसमें ऑयल। मैं तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और आगे पीछे हैंडल में हर जगह ऑयल को अच्छे से लगा देना है। ये प्रोसेस आपको हमेशा फॉलो करना है, इस चीज़ को भूलिएगा मत, नहीं तो फिर कढ़ाई में जंग लग जाएगी। धोने के बाद बिल्कुल भी वेट नहीं करना है पानी सूखने का, आपको खुद से पानी सुखाना है। और मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल लग रहा था कढ़ाई में, तो मैं क्या करूँगी ना कि टिश्यू पेपर से इसे हल्का सा पोंछूंगी। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर में आ जाएगा और थोड़ा बहुत ऑयल कढ़ाई में लगे रह जाएगा। इतना करने के बाद अब कढ़ाई को रख सकते हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल तो मैं इसमें ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, मुझे देखना था कि इसमें खाना जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अगर आप ये प्रोसेस करके कढ़ाई को रख देते हैं और 2-4 दिन के बाद इसमें सब्जी बनाने जाते हैं तो कढ़ाई को डिशवाशर से पहले अच्छे से क्लीन ज़रूर कीजिएगा, उसके
बाद ही इसमें कोई भी रेसिपी बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि ऑयल लगा के रख दिए तो डायरेक्ट इसमें आप कुकिंग करने लगें, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि लोहा है ना गाइस, हल्का फुल्का कालापन आ ही जाता है, तो उसको आप डिशवाशर से ज़रूर क्लीन कीजिएगा। मुझे तुरंत ब्रेकफास्ट बनाना था तो मैं क्लीन नहीं की हूँ, डायरेक्ट इसमें बनाने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और हाँ, अगर आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो सब्ज़ी बनने के बाद तुरंत इसे आप किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिए, छोड़ देंगे ना इसमें, तो फिर तो खाने का कलर ज़बरदस्त चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो खाना जैसे ही बनता है उसको आप अलग बर्तन में निकाल के रख दीजिए। होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी है गाइज। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।